So Vijay, today we will start with methods of particle size reduction. इसमें जो methods हैं, first is cutting, second is compression, third is impact, fourth is attrition, and fifth factor is combined impact and attrition. तो ये पांच methods हैं या principles कह लो of size reduction. इसमें से सबसे पहला है कटिंग. कटिंग का मतलब है कि काटना. यू कैन कट द ड्रग विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, यू कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. लेकिन होता क्या है कि जब आप ब्लेड या नाइफ से कट करते हो तो बहुत कम क्वांटिटी है ड्रग की जो काट पाते हो सारा दिन में. तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो यू विल हैव टू यूज़ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कटर मिल. तो प्रिंसिपल क्या है कटर मिल का? कटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ्स. ठीक, ये डायग्राम है कटर मिल का. आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये स्टाउट केसिंग है, ये वाली, दिस इज केसिंग. ठीक है, ये अंदर से हॉलो है, ये सारी हॉलो है अंदर से. ठीक, यहाँ पर ये हॉपर लगा हुआ है. हॉपर एक कॉनिकल डिवाइस होता है जिसमें आप ड्रग डाल दोगे और वो थोड़ी थोड़ी ड्रग नीचे जाती जाएगी. सेंटर में एक शैफ्ट लगी होती है और इस शैफ्ट पर ब्लेड्स लगे हुए हैं. दीज आर ब्लेड्स, रोटेटिंग ब्लेड्स, क्योंकि ये रोटेट करेंगे इस चैम्बर के अंदर, रोटेट करेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं रोटेटिंग ब्लेड्स. और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फिक्स ब्लेड्स हैं, स्टेशनरी ब्लेड्स, इनको स्टेशनरी ब्लेड्स बोलते हैं. तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट हैज अ स्टाउट केसिंग मेड अप ऑफ हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील. ये इसकी आउटर केसिंग है, ये सर, ये एंड दिस सिलेंड्रिकल वेसल है ये. और इसके अंदर दो तरह के नाइव्स लगे हुए हैं, ये रोटेटिंग नाइव्स हैं और ये स्टेशनरी नाइव, ये स्टेशनरी. ऊपर हॉपर है फॉर इनलेट ऑफ द ड्रग एंड नीचे यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं सीव. उस सीव में से वही ड्रग निकल पाएगी नीचे जिसका साइज रिड्यूस हो चुका होगा. अगर ड्रग का साइज रिड्यूस नहीं हुआ है तो वो इसके चैम्बर के अंदर ही रहेगी और इन स्टेशनरी ब्लेड और रोटेटिंग ब्लेड के बीच में जब आएगी ड्रग उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा. तो इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे. पार्टिकल्स विच आर टू बी कट आर पुट इन टू द हॉपर, ठीक है, एंड रोटेटिंग ब्लेड्स दे रोटेट विद अ वेरी हाई स्पीड. इट विल रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड. और उसकी हाई स्पीड के कारण क्या होगा, द मटेरियल विल कम इन बिटवीन स्टेशनरी नाइव्स एंड रोटेटिंग नाइव्स, स्टेशनरी नाइव्स एंड रोटेटिंग नाइव्स, एंड दे विल कट इनटू स्मॉल पीसेस. उसके बाद क्या होगा, द स्मॉल पार्टिकल्स दे विल कम आउट of the mill through the sieve. इसके uses क्या हैं? ये जो cutter mill है, it is used for cutting tough material. It is used to reduce the size of fibrous material prior to extraction. इसके advantages क्या हैं? It is easy to install, operate एंड मेंटेन. दूसरा एडवांटेज है, इक्विपमेंट इज चीपर देन एनी अदर मशीन, दैट इज द एडवांटेज. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज नॉट ईजी टू क्लीन, नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स. मतलब कटर मिल से जो पार्टिकल्स बनेंगे
उसकी जो पार्टिक रेंज है पार्टिकल साइज, कुछ तो बहुत ही फाइन हो जाएंगे पार्टिकल्स और कुछ कोर्स पार्टिकल्स बनेंगे। उसके बाद है रोलर, सेकेंड मैकेनिज्म है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। सो कंप्रेशन में जो हमारी मिल है सिलेबस में जो है वो है रोलर मिल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन ऑफ मटेरियल बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो रोलर मिल, इसमें रोलर मिल में आप देख रहे हो दिस इज वन रोलर, दिस इज सेकेंड रोलर, दिस रोलर इज नेम्ड एज ए रोलर, दिस इज बी रोलर। जो ए रोलर है इट विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड बी रोलर विल रोटेट एंटी क्लॉक। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो ए रोलर, ए रोलर बी, टू रोलर्स आर देयर। ऊपर एक हॉपर लगा हुआ है, हॉपर, तो आपने क्या किया हॉपर में मटेरियल डाल दिया और मटेरियल इन दोनों रोलर्स के बीच में से निकलेगा। जब इन दोनों रोलर्स के बीच में से निकलेगा मटेरियल तो प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर अप्लाई होने से क्या है जो पार्टिकल साइज है ड्रग का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वर्किंग कैसे है, मटेरियल टू बी क्रश इज फेड फ्रॉम हॉपर, ऊपर हॉपर में से मटेरियल इसमें डाल दिया, मटेरियल कम्स इन बिटवीन टू रोलर्स, दिस रोलर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड दिस रोलर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। और जो मटेरियल इन दोनों के बीच में आएगा वो क्रश हो जाएगा। इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों रोलर्स का गैप जो है एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है। अगर आप इन दोनों का गैप बढ़ा दोगे तो जो पार्टिकल्स निकलेंगे दोनों रोलर्स के बीच में उनका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर आप दोनों का गैप कम कर दोगे तो पार्टिकल्स का साइज छोटा हो जाएगा। इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर क्रशिंग एंड क्रैकिंग ऑफ सीड्स बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। दूसरा एडवांटेज है इट इज यूज टू क्रश सॉफ्ट टिश्यूज। एडवांटेज क्या है इसका, इट प्रोड्यूसेस मोर यूनिफॉर्म एंड फाइन पार्टिकल, इट जनरेट्स लेस हीट देन एनी अदर मशीन। थर्ड एडवांटेज इज मॉइस्चर लॉस इज वेरी लेस। देन फोर्थ, बेटर वर्क एनवायरनमेंट ड्यू टू लो मशीन नॉइस लेवल एंड इट इज एनर्जी एफिशिएंट, मींस इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी। इसके अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नोट इफेक्टिव ऑन फाइब्रस प्रोडक्ट्स। अगर फाइब्रस प्रोडक्ट है तो वो छोटे पार्टिकल नहीं बनेंगे बल्कि क्रश होने के कारण उसके फाइबर्स ही बन जाएंगे। देन एडिशनल ऑपरेटर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ऑपरेटर इनपुट्स होते हैं जैसे गैप कम करना है, ज़्यादा करना है, स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो इसमें आपको ज़्यादा इनपुट्स रिक्वायर्ड। थर्ड प्रिंसिपल इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है कि आप ड्रग को किसी चीज से इम्पैक्ट कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, ड्रग को किसी चीज से स्ट्राइक कर रहे हो। इसमें जैसे सपोज आपकी ड्रग स्टेशनरी है और आप हैमर से उसको स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी ड्रग जो है वो मूविंग है एंड इट इज स्ट्राइकिंग विद सम वॉल ऑफ द मिल। दो तरीके हो सकते हैं कि मटेरियल स्टेशनरी है, आप हैमर से उसको स्ट्राइक कर रहे हो। दूसरा है कि ड्रग आपकी मूविंग है एंड इट इज स्ट्राइकिंग कॉन्टिन्यूसली विद द वॉल।
सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हैमर मिल. हैमर मिल भी जैसे एक हॉलो सिलेंड्रिकल वेसल है. हॉलो सिलेंड्रिकल वेसल, ये आउटर केसिंग है मेड अप ऑफ हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील. ये इसके अंदर सेंटर में शैफ्ट है. इस शैफ्ट पे हैमर्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 हैमर्स. और यहाँ से फीड है इनलेट, मटेरियल का इनलेट. और मटेरियल का यहाँ से ये मटेरियल अंदर जाएगा और नीचे एक यहाँ से बाहर आएगा. नीचे स्क्रीन लगी हुई है, सीव लगी हुई है, और उस सीव में से छन कर सीव होकर ये मटेरियल नीचे निकलेगा. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इट पोजेसेस स्टाउट मेटल केसिंग. मेटल केस हैज स्विंगिंग हैमर्स. ये जो हैमर्स हैं ये स्विंगिंग है. स्विंग का मतलब होता है कि इस तरह से स्विंग करना, लाइक दिस. इट कैन स्विंग लाइक दिस. एंड लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन फॉर आउटलेट. अब इसकी वर्किंग क्या है? मटेरियल इज पुट इनटू हॉपर, देन हैमर्स आर रोटेटेड एट हाई स्पीड. शैफ्ट पे लगे हुए हैं, शैफ्ट घूमेगा तो हैमर्स भी घूमेंगे. ड्यू टू रोटेशन द मटेरियल इज पाउडर्ड टू डिजायर्ड साइज. डिजायर्ड साइज का बन जाएगा वो. एंड आफ्टर साइज रिडक्शन इट विल कम आउट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मिल, लाइक दिस. अब इसके यूजेस क्या हैं? टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर. इंटरमीडिएट मतलब कोर्स या मॉडरेटली कोर्स पाउडर, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट ग्रेड. इन मिलिंग रॉ मटेरियल्स, हर्बल मेडिसिंस एंड शुगर. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन विद लेस जैमिंग. इसके अंदर स्विंगिंग हैमर्स लगे हुए हैं, स्विंगिंग हैमर्स, उसके कारण जैमिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है. इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, देन इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो मेल्टिंग स्टिकी और प्लास्टिक मटेरियल्स. पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉगिंग आर मोर. हीट इज जनरेटेड विच विल अफेक्ट थर्मोलेबाइल मटीरियल. यहाँ एक आपने नया वर्ड अभी सीखा है, थर्मोलेबाइल. थर्मोलेबाइल का मतलब मीनिंग लिख लो आप. थर्मो मीन्स हीट, लेबाइल मीन्स विच इज अफेक्टेड बाई हीट, विच इज विच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई हीट. ठीक है, थर्मोलेबाइल. दोज ड्रग्स विच कैन बी अफेक्टेड बाई हीट, उनको हम बोलते हैं थर्मोलेबाइल. नेक्स्ट फोर्थ मैकेनिज्म है एट्रिशन का. एट्रिशन का मतलब है रगड़ लगना, दो चीज़ों के बीच में किसी को ग्राइंड कर देना, एट्रिशन. सो इन एट्रिशन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मटेरियल एज इन कंप्रेशन. इन दिस शेयरिंग फोर्स ब्रेक्स द पार्टी, शेयरिंग फोर्स. और लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी स्केल पे हम यूज करते हैं पेसल एंड मोर्टर. ये जो आप रॉड टाइप देख रहे हो, दिस इज पेसल. और ये जो वेसल है नीचे, इट इज मोर्टर. दिस इज मोर्टर एंड दिस इज पेसल. तो अगर आप इसमें ड्रग डाल के पेसल से ग्राइंड करोगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एट्रिशन. एट्रिशन इसके लिए आप बॉल मिल भी यूज कर सकते हो एट्रिशन प्रोसेस के लिए. लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जो बॉल मिल है वो कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम ये जो ए रोलर है, दिस इज रोलर नंबर ए, अगर ए रोलर जो है इसकी स्पीड हम अलग कर दें और बी रोलर की स्पीड अलग कर दें, ए रोलर फास्ट घूम रहा है, बी रोलर स्लो घूम रहा है, तो जो मटेरियल इन दोनों के बीच में आएगा उसमें जो है देयर विल बी ग्राइंडिंग, देयर विल बी ग्राइंडिंग. तो उससे क्या होगा कि एट्रिशन के कारण ड्रग का साइज रिड्यूस हो जाएगा.
तो लेबोरेटरी स्केल पे हम पैसल मोटर यूज करते हैं और लार्ज स्केल पे हम बॉल अपना रोलर मिल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन, और इसमें ये क्या है कि इंपैक्ट भी होगा, इंपैक्ट होता है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ड्रग के साथ स्ट्राइक करता है तो इंपैक्ट होगा, और एट्रिशन भी होगा। एट्रिशन होता है ग्राइंडिंग व्हेन ड्रग कम्स बिटवीन टू सर्फेसेस एंड बोथ आर मूविंग, देन इट इज ग्राइंडिंग। तो इसमें क्या होगा, इंपैक्ट भी, बॉल मिल में इंपैक्ट भी होगा और एट्रिशन भी होगा। इसमें आप देख रहे हो कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंड्रिकल वेसल में आप यहाँ से मटेरियल अंदर डाल सकते हो, दिस इज हॉपर, मटेरियल कैन बी एडेड फ्रॉम हेयर। इस बॉल मिल के अंदर, जैसा कि नाम है इसका बॉल मिल, इसके अंदर हमने बॉल्स डालनी है। 50% ऑफ द एम्प्टी स्पेस, 50% ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड बाय बॉल्स। दीज बॉल्स कैन बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और पोर्सिलेन और रबर, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम। सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स विच ऑक्यूपाई 30-50% ऑफ द वॉल्यूम, 30-50% ऑफ द वॉल्यूम। सिलेंडर एंड बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील रबर एंड पोर्सिलेन, ठीक है, एंड द सिलेंडर इज माउंटेड ऑन अ शैफ्ट। फॉर इनलेट देयर इज अ ओपनिंग एट द अपर एंड, एंड फॉर आउटलेट ऑफ द पार्टिकल्स देयर इज अ आउटलेट विच इज कवर्ड बाय अ स्क्रीन, स्क्रीन और यू कैन कॉल इट सील। अब इसकी वर्किंग कैसे है, तो जो मटेरियल हमने, इसका साइज रिड्यूस करना है, उसको हमने इस हॉलो सिलेंडर में डाल दिया। द ड्रग टू बी रिड्यूस इज पुट इनटू द हॉपर और इसमें हमने बॉल्स भी डाल दी और ड्रग भी डाल दी। अब वो कह रहा है कि इसमें जो स्पीड है ना, स्पीड इज शुड बी ऑप्टिमम, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल मिल शुड बी ऑप्टिमम। अगर आपने स्पीड बहुत कम कर दी लाइक दिस, तो क्या होगा, जो मटेरियल है वो ऊपर तक नहीं जाएगा और यहीं से ही नीचे स्लाइड कर जाएगा मटेरियल, अगर आपकी स्पीड बहुत कम है। अगर आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी तो ये बॉल्स एंड ड्रग्स ये कंटेनर की वॉल्स के साथ ही स्टिक कर जाएंगे और साइज रिडक्शन नहीं होगी। तीसरा है सी वाला, ये है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड इसमें क्या है कि मटेरियल और बॉल्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर से वो नीचे गिर रही हैं, और जब वो नीचे गिरेंगी तो ड्रग के साथ स्ट्राइक करेगी, बॉल्स जो है ड्रग के साथ स्ट्राइक करेंगी और ड्रग का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जो सी वाली है स्पीड, दैट इज ऑप्टिमम स्पीड। देन देयर यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज्ड टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग्स टू फाइन पार्टिकल्स एंड इट इज यूज्ड फॉर मिलिंग ऑफ द ओर्स। एडवांटेज क्या है, कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, इट इज अ कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, इट इज सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई प्रोसेस एंड इज यूज्ड टू ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल। इससे कुछ टॉक्सिक मटेरियल का फायदा ये होगा, क्योंकि ये बॉल मिल जो है क्लोज्ड मिल है, बंद है, तो अगर कोई आप